पास में से ये दिखा दे तो और दिख रहा है पिक्चर नहीं है। इस होल से आप देख सकते हैं कि बैकलाइट तो जल रही है लेकिन इसमें पिक्चर नहीं है। आइए देख लेते हैं इस फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करेंगे। पैनल वोल्टेज 11.3 वोल्ट है ये ठीक है। एबीडीडी वोल्टेज नहीं बन रहा है ठीक है। तो इसमें लेवल शिफ्टर आईसी खराब है बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो लेवल शिफ्टर आईसी को हम एक बार निकाल कर चेक करेंगे एबीडीडी वोल्टेज आते हैं या नहीं। तो टीवी को बंद कर देते हैं टिकॉन को बाहर निकाल लेते हैं इसको अलग से चेक करेंगे। तो ये लेवल शिफ्टर आईसी दिखा दो यहाँ पास में आके पॉज करके इधर आ जाए। ये आईसी अभी हम निकालेंगे ओके और चेक करेंगे एवीडीडी वोल्टेज अगर जो बन जाते हैं तो ये लेवल शिफ्टर इसमें खराब निकलती है। अभी हम इसकी जगह ये आईसी यूज करेंगे अगर जो ये खराब निकलती है। तो ये लेवल शिफ्टर आईसी हमने अभी निकाल दी है। एवीडीडी वोल्टेज हमारे यहाँ पर क्या बनने लगे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15.6 वोल्ट के करीब यहाँ वोल्टेज बनने लगे हैं। सो यहाँ पर ये जो टिकॉन है इसमें आधा काम तो हमने कर दिया है लेकिन आधा काम बाकी है क्योंकि इसमें LC1 LC2 निकालने के लिए इस आईसी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो हम बंद कर देते हैं और केबल निकाल लेते हैं और इस आईसी को यहाँ लगाने का स्टार्ट करेंगे। पेस्ट लगा लेते हैं और ये थिनर ये आईसी को हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। पिन नंबर 1 देखते हुए हमें रखना है। एसएमडी गन को पूरी तरह गर्म कर लेते हैं उसके बाद फिर आईसी को इंस्टॉल करेंगे बोर्ड पर। आईसी को प्रॉपरली हमने फिट कर दिया है। अभी हम चेक करेंगे इसमें से LC1 और LC2 जो दो सिग्नल होते हैं जो पिक्सल को ऑन ऑफ करते हैं यहाँ पर LC1 और LC2 इनको चेक करेंगे हम। अगर जो ये स्विच हो रहे हैं -9 और 28 और ये भी -9 और 28 होते हैं तो फिर इसमें लेवल शिफ्टर हमारी प्रॉपरली काम कर रही है ये मान लेंगे हम। तो अभी हम लेवल शिफ्टर आउटपुट चेक कर रहे हैं -9 30 -9 30 -9 30 और ये भी इसी तरह स्विच होंगे। सो ये सही है एवीडीडी वोल्टेज जो नहीं बन रहे थे आईसी लगाए हुए ये अब बनने लगे हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं हमारी जो पैनल है उस पे इस बोर्ड को लगाकर। अभी हम चालू करके देख लेते हैं क्या इसमें पिक्चर बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर तो बन चुकी है लेकिन वो जो हिस्सा है वहाँ पे वर्टिकल लाइन दिख रही है और ये प्रॉब्लम है। तो ये पैनल का फॉल्ट है इसके अंदर पैनल भी खराब है एक्चुअली।